ऐसी मान्यता है कि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी तो पूरी लंका का ही सर्वनाश हो गया था, इसलिए भद्रा को हमेशा बचाना चाहिए। और रक्षाबंधन के त्यौहार की जो शुरुआत हुई है तो जिस समय भगवान श्री हरि नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने तीन डग पृथ्वी की याचना की थी, जिसमें इन्होंने सारी त्रिलोकी को दो ही डगों में नाप लिया। तो तीसरा चरण उसके मस्तक पर रखकर पूरा किया तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो हमसे वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा, प्रभु आप हमारे दरवाजे पर प्रातःकाल दर्शन दें। अब ये बात बड़ी समस्या टेढ़ी हो गई, रोजाना प्रातःकाल किसी के दरवाजे पर रहना साधारण चीज़ तो है नहीं। देव ऋषि नारद ने जाकर के बात माता लक्ष्मी को बताई तो लक्ष्मी जी रोने लगी, बगैर नारायण के हम कैसे रहेंगे। तो देव ऋषि नारद ने बताया कि कल श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णमासी है, और आप एक सूत्र लेकर के जाएं। इसमें ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी राखी हो, इसे रक्षा सूत्र बोला जाता है। और सूत्र लेकर के जाएं, वहाँ पर कहना कि बलि से कहना हम आपकी मुँहबोली बहन हैं, और भैया आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। जब वो कहे बहन फिर क्या होता, तो कहना राखी बांधी जाती। जब वो राखी बंधा ले तो फिर उससे मांगना कि वो रक्षाबंधन की बंधाई में भाई बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है। तो आज भी ये मंत्र बोला जाता है, एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षेद माचल माचल। तो इसी से जब मांगा तो कहा भगवान नारायण ही हमें दे दीजिए, तो भगवान नारायण को लेकर लक्ष्मी जी आई, वहीं से रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत हमारे यहाँ समाज में हुई। और उसके बाद फिर तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की यहाँ मेहमानी स्वीकार की तो भगवान की उंगली कट गई, तो द्रौपदी ने वहाँ पर अपनी साड़ी फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांध दी, वहाँ से भी रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया जाता। तो उसमें भैया की पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है बहन की सुरक्षा करना, ये नहीं कि हमने रुपया दे दिया या सूट बना दिया। आज हम इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे जो हमारे समाज में तमाम ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसे अभी आपने कलकत्ता की घटना सुनी है जी, उत्तराखंड की? हाँ, उत्तराखंड की सुनी। अपने यहाँ अत्याचार हो रहा, तो हमारे जितने भाई हैं वो रक्षा सूत्र बंधाने में इस बात का संकल्प लें कि आज से हम अपनी बहनों की पूर्ण सुरक्षा करेंगे, तब जा करके हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का कल्याण हो सकता है। केवल पैसा या सूट देने से ही समाज का कल्याण नहीं होता है। तो आज रक्षाबंधन जो है 1:33 के बाद, और शाम को वैसे तो 7:01 पे पंचक लग जाएगी, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक विशेष शुभ मुहूर्त। लेकिन पंचक में कोई सूत्र बांधने का दोष नहीं होता है, लकड़ी अकड़ी फूस उसका काम करने का दोष होता है, इसलिए फिर 1:33 के बाद में राखी आप बांध सकते हैं, इसमें कोई दो राय।